आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज सोमवार है और हर सोमवार को आप आज तक रेडियो पर सुनते हैं आईपीएल की टेंटें। और इससे पहले कि हम परिचय करवाएं अपने साथियों से, आपको बताएं कि हमारे जो इस शो के रेगुलर होस्ट हैं, जो सलामी बल्लेबाज हैं कुलदीप मिश्र, वो जो है आज हमें गच्चा दे गए हैं। किसी और पिच पे बैटिंग कर रहे हैं आज वो, और उनकी जगह मुझे यानी कुमार केशव को मेक शिफ्ट ओपनर बनाया गया है। ठीक है, तो बाकी हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनको आप जानते ही हैं। मोहम्मद इकबाल हैं हमारे साथ, विश्व मोहन मिश्र जी हैं, ऋतुराज हैं और प्रगति पांडे हैं। इनकी आवाज़ें आप पहचानते हैं, ये पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातों का सिलसिला। आईपीएल के पिछले हफ्ते में क्या कुछ खास घटा, क्या कुछ दिलचस्प परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, अगले हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमारी बातचीत होगी। तो आईपीएल का जो प्लेऑफ का स्टेज है वो बिल्कुल उसके मुहाने पर हम खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामला भी फंसा हुआ है। आखिरी दो मुकाबले जो हैं उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि कौन सी चार टीमें खेलेंगी। हालांकि एक जो मुंबई इंडियंस है उसकी जगह पक्की हो चुकी है, बाकी जो है तीन जगह उसके लिए लड़ाई होनी है। तो कैसे देखते हैं आप? आज तो बड़ा मुकाबला है और इंतजार होगा सभी को कि प्लेऑफ की चार टीमें कौन है। एक पहले से ही तय है, लेकिन अब ये देखना है कि इस मौके को भुना पाते हैं कि नहीं विराट कोहली के खिलाड़ी, उनके ये धुरंधर, और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, दोनों भारतीय जाबाज खिलाड़ी अपने दल के साथ मैदान पर होंगे। लेकिन समय ही बताएगा कि कौन आगे जाएगा। मुंबई इंडियंस के साथ क्वालिफायर वन में खेलेगा, यानी कि नंबर वन पर मुंबई इंडियंस का रहना तय है। नंबर टू की जंग दो टीमों के बीच, आरसीबी और डीसी। ये एक बड़ा विचित्र, मतलब एक तरह से कही स्थिति है कि जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी शुरू में इतने सारे मैच जीत चुकी थी और हम लोगों को लग रहा था ये तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन जो मामला है वो फंस गया है एक तरह से। और आज के मैच पर, जो आखिरी मैच उनका लीग मैच होगा, उस पर मामला टक गया है। तो कैसे आप देखते हैं दिल्ली के परफॉर्मेंस को? ये लगातार मैच हार करके अपनी स्थिति को इस तरह से उन्होंने बिल्कुल ऐसी जगह ला करके खड़ा किया है कि वहां से एक तो रोमांचक चीजें हुई हैं, मजा आया है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 54 मैच खत्म हो चुके लेकिन अब तक प्लेऑफ तय नहीं हो पाया, सिर्फ एक टीम ही आगे जा पाई है। तो ऐसी स्थिति में उनके बल्लेबाजी, उनके प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठे हैं, लेकिन अब वो दौर आ चुका है, अब वो समय आ चुका है जहां पर उन्हें निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा और टीम को आगे ले जाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। ऋतुराज जी, देखिए दिल्ली की बात आप कर रहे हैं केशव, दिल्ली को ना खुश होना चाहिए और उनके फैंस को भी जो है खुश होना चाहिए। तीन नहीं, चार बार अब तक ऐसा हो चुका है कि दिल्ली आईपीएल में बॉटम पे रही है। 2011 में हुआ था, 2013 में हुआ, फिर 2014 में भी दिल्ली बॉटम पे थी और 2018 में भी दिल्ली सबसे नीचे थी पॉइंट टेबल में। तो दिल्ली जहां भी है आज के समय वो ठीक ठाक जगह पे है, जहां से वो कैसे आगे बढ़ती है, कहां तक ऊपर जाती है, ये तो अब आजकल में तय हो जाएगा। लेकिन दिल्ली ओवरऑल देखें तो दिल्ली और पंजाब की हालत जो है वो एक तरीके से उनका जो इतिहास रहा है ना अब तक, उसके अनुसार ये दोनों ठीक जगह पे हैं। इकबाल भाई, क्या कहेंगे आप दिल्ली के परफॉर्मेंस पर? यार थोड़ा सा हैरानी तो हर किसी को है, जैसा बात कर रहे हैं विश्वमन भी और ऋतुराज भी, की जिस तरह से शुरुआत की थी दिल्ली की टीम ने, ऐसा लग रहा था कि मतलब ये टीम तो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी, कहीं रुकेगी नहीं, कोई लोकल ट्रेन है बीच में, स्टॉपेज है ही नहीं, सीधे जाकर के प्ले ऑफ में जाके रुकेगी और उसके बाद फिर फाइनल, इस तरह का आगाज था। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि देखिए इस आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो बहुत बुरा प्रदर्शन किसी एक टीम का रहा नहीं है, जिसकी वजह से ये नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। आज जो पॉइंट्स टैली में इतना एकदम एक तरह से समझिए कि एक अफरा तफरी वाली स्थिति है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है वो ये कि कोई एक टीम बहुत बुरा नहीं खेली, बिट्स एंड पीसेस में कहीं ना कहीं आगे पीछे थोड़ा इधर उधर करके हर टीम ने जो है
अच्छा ही परफॉर्म किया। और कल महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस बात को कहा था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि या तो आप देख लीजिए कि सभी टीमें अच्छा खेली हैं या फिर कह सकते हैं कि सभी टीम बुरा खेली है एक्सेप्ट मुंबई इंडियंस। तो इसका मुझे एक बहुत सही लगा ये स्टेटमेंट महेंद्र सिंह धोनी का, और बहुत एक्सेप्टेबल भी है कि वाकई अगर सभी टीमों का इतना अच्छा प्रदर्शन या बुरा प्रदर्शन जो भी आप कहें आपके हिसाब से नहीं रहता तो शायद दो टीमें एटलीस्ट आपको बहुत क्लियर नजर आ जाती प्लेऑफ्स के लिए। लेकिन क्योंकि सभी टीमों ने थोड़े थोड़े मैचेस जीते, थोड़े थोड़े हारे, थोड़े जीते थोड़े हारे, यही वजह है कि आज जो है इतना ज्यादा जो है आपको उथल पुथल नजर आ रही है पॉइंट्स टेबल में। जहां तक दिल्ली का सवाल है, मुझे लगता है कि बीच में थोड़ा सा लय गड़बड़ाया जब से पृथ्वी शॉ थोड़ा रन नहीं करने लगे, बाहर बिठाया गया उनको, और इसके बाद रहाणे आए, वहां से जो है चीजें थोड़ी गड़बड़ाई हैं इनके लिए। और पिछले दो मैचेस में शिखर धवन अच्छा नहीं कर पाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं मिलता है तो फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, और मिडिल ऑर्डर भी बहुत यंग है। देखिए फ्लैम्बॉयंट तो है लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, तो ये तो है कि लय गड़बड़ाया है दिल्ली का लास्ट कुछ मैचों में। लेकिन यहाँ पे विश्वभवन जी आप करेक्ट कीजिएगा, और इकबाल केशव प्रगति अभी तक कुछ नहीं बोली है, उम्मीद है इसके बाद बोलेंगी, वो तैयार कर लेंगी अपना मसाला एकदम, एक ही एल्बम मार देंगे बीच में। आपको ना कभी बाकी की जो टीमें हैं उसको अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, आपको मुंबई इंडियंस बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप शुरुआत के 5 मैच हार भी गए तब भी पता चला आप फाइनल में हैं लगातार जीत कर। ये काम मुंबई कर सकती है, आपके बस की नहीं है। पंजाब को ये बात सीखनी होगी, दिल्ली को ये बात सीखनी होगी या समझनी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप ये इस भरोसे नहीं रह सकते कि अंत में मैचेस जीत जाएंगे। आपको शुरुआत में एक कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं ना वो बना के रखनी चाहिए, और जिसकी कमी पंजाब, दिल्ली, कोलकाता, बाकी की जो टीमें हैं उसको अभी के समय खल रही हैं, जो कंसिस्टेंसी उन्होंने नहीं दिखाई है अब तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शुरू में आपने जोर लगा दिया और लगातार मैच जीते, लेकिन अब स्थिति है कि दिल्ली ने लगातार 4 मैच गंवा दिए। अब उनका मुकाबला ऐसी स्थिति में हो रही है जहां से आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो आपको माफ किया जाए। तो ऐसी स्थिति में जबकि रबाडा आपके साथ है, नॉर्थ जे जो कि अपनी तूफानी तेजी से चौंकाया था, कहां गए सारे? अब ये सारे प्रश्न सामने हैं कि दिल्ली को आखिर हो क्या गया। और दूसरी तरफ आरसीबी को देखिए, वो 3 मैच गंवा चुकी है, और ऐसे समय में विराट कोहली क्या सोच रहे हैं, उनका खुद का प्रदर्शन भी प्रभावित है। तो ऐसे में लगातार लोगों के दिल में और सामने जो स्थिति दिख रही है रोमांचक है, सब कुछ रोमांचक है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन प्रशंसक जो कि खास टीम की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको लगातार झटके मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जैसे इससे पहले की बात करें तो आरसीबी और दिल्ली दोनों ऐसी टीमें थी जिनका परफॉर्मेंस हमेशा से ही अच्छा नहीं रहता था, और आरसीबी को तो बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जाता था, बट इस बार ऐसा हुआ है कि दोनों ने जहां तक है अच्छा खेला अपने पुराने सालों के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि दोनों ने अपने हिसाब से अच्छा खेला इस बार, अब आज देखते हैं कौन जाता है दोनों में से। ये तो बात इकबाल भाई ने शिखर धवन का जिक्र किया, हाँ मैं कह रहा था इकबाल भाई ने शिखर धवन का जिक्र किया, तो एक दिलचस्प स्टैट है वो मैं बताता चलूं कि शिखर धवन ने लगातार 2 मैचों में सैकड़े लगाए, उसके बाद लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट। हाँ, शतक लगाने के बाद चलता है कि क्रिकेट, शतक जो आया उनका उसके बाद 6 रन, 0 रन और फिर 0 रन, तो ये पूरी तरह से अटपटा लग रहा है कि वो खिलाड़ी जो लगातार 2 शतक लगाकर आईपीएल का रिकॉर्ड बनाता है वो इस तरह से प्रदर्शन करके लोगों को बुरी तरह से निराश करेगा। पत्रकारों के ऊपर ही बस बैलेंस करने का प्रेशर थोड़ा ही है, खिलाड़ियों के ऊपर भी है। बात की बैलेंस जो है ना गड़बड़ाया है दिल्ली का, देखिए बैलेंस ही गड़बड़ाया है। आपने तो 100 मार दिए 2 लगातार मैचेस में, सनसनी फैला दी, लेकिन इसके बाद अगले 2-3 मैचेस में क्या होता है, आप 0 पे आउट हो रहे हैं 2 मैच में, 1 में 6 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत टीम के लिए तो अच्छा कतई नहीं हो रहा है। और बिल्कुल विश्वमोहन भाई ने एक बहुत सही बात बोली कि रबाडा और नोकिया ये दोनों अगर आपके विकेट लेकर के नहीं देते ना तो फिर दिल्ली की टीम कहीं की नहीं है, मतलब कुछ नहीं और है। इकबाल भाई आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए कि आपके जो फेवरेट, और मैं भी मान चुका था वाकई ये खिलाड़ी हमारा फेवरेट हो सकता है, वो कहाँ गया, वो फिनिशर कहाँ गया जो लगातार आरसीबी को बल्कि दिल्ली को मजबूती दे रहा था, वो खिलाड़ी कहाँ गया, उस खिलाड़ी का नाम आप बताइए।
जो अब नहीं चल पा रहा है, टीम के लिए कोई फायदा नहीं दे पा रहा है। आप ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऑलराउंडर। अच्छा, ओ आरसीबी में पहले थे। जी 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 जी, बिल्कुल। स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस। नहीं देखिए, स्टोइनिस मार्कस स्टोइनिस की आप बात कर रहे हैं। देखिए, मार्कस स्टोइनिस शुरू के मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा किया। वही चीज है ना कि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, न जाने बीच में क्या हुआ। इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेसेंट हो गए, क्या हो गया समझ नहीं आई बात। देखिए, टॉप ऑर्डर तो आपका चला ही नहीं, ठीक है। रहाने को लेकर आए, वो कामयाब नहीं हो पाए। धवन लास्ट के दो तीन मैचेस में फेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर भी आपका बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब ये कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है दिल्ली कैपिटल्स को कि कहाँ गलती हो रही है। गलती खुद में वो कर रहे हैं। पहले तो स्कोर बोर्ड में वो रन नहीं कर पा रहे हैं, और जिस मैच में वो स्कोर कर रहे हैं उस मैच में रबाडा नोकिया की पिटाई हो रही है। तो फिर बैलेंस जो है, संतुलन जो है, कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आई है ये टीम। बिल्कुल, रबाडा की तो ऐसी पिटाई हुई पंजाब के खिलाफ, चार ओवर में 54 रन लुटा दिए उन्होंने। यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही रबाडा है वो। जी, और ये 3-4 साल बाद हुआ है, कुछ एक तो स्टार्ट था। इतनी पिटाई जो है उनकी काफी दिनों बाद हुई, मतलब इतनी जबरदस्त धुनाई इनकी कभी हुई नहीं थी। बिल्कुल। और सिराज की तरफ, मोहम्मद सिराज, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करके एक तरह से लगा था कि आरसीबी को अब तो ये ले ही जाएंगे सीधे टॉप पर, प्रदर्शन बेहतरीन किया, 2 मेडन ओवर डाल दिए और विकेट भी हासिल किया, लेकिन सिराज अब फिर कहां चले गए। तो निरंतरता की कमी जो है हमेशा खल गई। और अब देखिए, अच्छा, तो राहुल ने क्या बोला है। केएल राहुल ने बोल दिया, पंजाब बाहर हो गई। केएल राहुल बोल रहे हैं कि वो जो शॉर्ट रन वाला जो मामला था पहले मैच में, उसके कारण हमारे लिए परेशानियां खड़ी हुई। अरे भैया, बाकी के भी तो मैच थे। एक डिसीजन हालांकि वो मायने रखता है, वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया था, लेकिन वो होता है कि आप एक एक चीजों को लेके कब तक बैठे रहेंगे। आपके पास और भी मौके थे। आप गलती है, इंसानी गलती है, किसी से भी हो सकता है। नहीं, वो अगर शॉर्ट रन वाला जो मसला है ना, शॉर्ट रन वाला मसला अगर अंतिम मैच में हुआ होता तब आप रो सकते थे उसका दुखड़ा कि हाँ ये एक हमारे पास मौका हो सकता था, लेकिन उसके बाद तो आपके पास कई मैचेज आए, कई मौके थे आपको कमबैक करने के। ये तो हमने दिल्ली की बात कर ली। अब थोड़ा आरसीबी की भी बात कर ले। आरसीबी किससे कहाँ चूक हो रही है? हाँ बिल्कुल, हमने दिल्ली और आरसीबी दोनों को साथ लेकर के हमने बातचीत शुरू की। अब आरसीबी पर, सही कहा केशव आपने, अब आरसीबी पर हम लोग आते हैं। हालांकि हम लोग थोड़ा सा इसको चर्चे में ला चुके हैं, अब आरसीबी अब निशाना बनाते हैं विराट को। इकबाल भाई आप बताएं। आपने जो है सीधा मशीन गन जो है मेरे हाथ में थमा दिए कि लो और फायर करो कोहली के ऊपर। मशीन के ऊपर फायर करना। हाँ, प्रगति पांडे आप फायर करना चाहेंगी? मैं थोड़ा सा छेड़ देता हूँ, आप लोग उसको आगे बढ़ाइएगा। जिस तरीके से विराट कोहली ने सूर्य कुमार यादव के साथ किया इस हफ्ते, उस पे हमें लगता है थोड़ी सी बात करनी चाहिए। हम लोग अक्सर शुरू में, जब विराट बहुत यंग हुआ करते थे, कप्तान नहीं थे, और शुरू में जब टीम के साथ खेला करते थे बहुत एग्रेसिव दिखते थे। वक्त के साथ हमारा ओपिनियन बदला उनके लिए, हम लोगों का, बहुत लोगों का, कि नहीं अब शायद वो धीरे धीरे बहुत जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसी हरकतें, ऐसा चुल कर जाते हैं ना कि याद आ जाता है वो पुराना विराट। हाँ, मतलब जो उनके, मतलब आपके अंदर जो चीज होती है ना, मतलब जो इनबिल्ट आपके अंदर चीजें होती हैं वो शायद जाती नहीं है। आपकी जो आदत है उसको बदलते बदलते बहुत जमाना लग जाता है। और वही है विराट कोहली, हालांकि ये शोभा नहीं दिया कि आप इंडियन टीम के सीनियर टीम के कैप्टन हैं, इतना बड़ा नाम है विश्व क्रिकेट में आपका, मतलब इतना बड़ा मकाम है, और आप एक ऐसे खिलाड़ी के पास जाकर तुमको स्लेज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है। बट ठीक है यार, मतलब इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, तो बहुत ज्यादा वो नहीं है। बट हाँ, जिस तरीके से जाकर के वो बोल रहे थे वो थोड़ा सा आश्चर्य में डालता है हर किसी को। मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं दाद दूंगा सूर्य कुमार यादव की कि उन्होंने विराट कोहली के स्लेज करने के बावजूद भी अपना टेम्परामेंट जिस तरह से बनाए रखा, अपना कंपोजर जिस तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया, वो बहुत कुछ बताता है कि वो कितने मेंटली अब स्ट्रांग है। उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। और मजे की बात ये, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो कई बार उन्होंने, विराट कोहली जो घूरने की आदत होती है, बॉल उनकी तरफ जाती है, पकड़ करके फील्डिंग करके जो बैट्समैन को वो घूरते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा सूर्य कुमार यादव आंखों से आंखें मिला रहे थे। ठीक है, आप कैप्टन होंगे इंडियन टीम के,
ठीक है आप विश्व के नंबर एक खिलाड़ी होंगे इस वक्त, लेकिन इस वक्त बल्ला मेरे हाथ में है और मेरे हिसाब से गेम चलेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर था सूर्य कुमार यादव का, जो कि बहुत पॉजिटिव था। और सूर्य कुमार जब जिता करके मैदान से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने इशारा किस तरह से किया था आपने देखा होगा, वो जवाब था एक तरह से, पूरी तरह से उन लोगों के लिए जो उनकी आलोचना कर रहे थे या मैदानी प्रतिद्वंद्विता में उनको पछाड़ने की कोशिश में लगे थे, इशारा किया था और उससे साफ पता चला इस खिलाड़ी का आत्मविश्वास कितना बढ़ा है। और साथ ही उन्होंने अपनी ओर लोगों को खींचा और ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि एक खिलाड़ी बाहर क्यों है भारतीय टीम। और हम लोग बात कर रहे हैं आरसीबी के बारे में, प्रगति के बहुत ख्याल हैं कि वो पहुंचे जाए, प्रगति कुछ बोलिए। सर उम्मीद है क्योंकि 2020 काफी मतलब अनलकी टाइप का साल है, तो ट्रॉफी भी एक जैसे कह दी जाता है इतने सालों से ट्रोल करते हुए एक अनलकी टीम को मिलनी चाहिए, तो इस बार आरसीबी को ट्रॉफी मिलनी चाहिए। ये फैन हो तो ऐसा जबड़ा फैन है जब उम्मीद पर दुनिया काया है ना। मतलब मैं ये सोच ही रही थी कि इस बार आरसीबी को मिलनी ही चाहिए ट्रॉफी। लेकिन आरसीबी के अगर मध्यक्रम की बात करें, बल्लेबाजी के मध्यक्रम की, तो थोड़ा सा उसमें क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग रहा है कमजोरी है। देखिए बहुत क्लियर बात है केशव कि आरसीबी की टीम अगर पिछले 3 मैचों में हारी है तो आप उनका स्कोर कार्ड उठाइए आपको साफ पता चलेगा कि उनके बैट्समैनों ने जो है रन नहीं बनाए। और एक बार जब आप स्कोर बोर्ड पर रन नहीं डालते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आपका अटैक कैसा भी हो। और वैसे भी बहुत कोई वर्ल्ड क्लास अटैक हो, बोलिंग अटैक आरसीबी का ऐसा नहीं है। इसरू उदाना, क्रिस मॉरिस, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, ये गेंदबाज हैं, वॉशिंगटन सुंदर अच्छे गेंदबाज हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं, अच्छी गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन रबाडा, नोकिया, बुमराह टाइप, बोल्ड टाइप गेंदबाज उनके पास नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि आप इस तरह के गेंदबाजों के साथ अगर आप कंटेन करना चाहते हैं, अपने स्कोर को डिफेंड करना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा स्कोर देना पड़ेगा। और इसका साफ साफ जो है कारण ये है कि कभी विराट नहीं चले, कभी एबी डिविलियर्स नहीं चले, कभी दोनों साथ में नहीं चले, कभी पडिकल नहीं चले, ये 3-4 नाम जो उभर कर आए हैं इस साल, तो 3 मैचेस में इन 3-4 बल्लेबाजों ने स्कोर नहीं किया है, जिसकी वजह से आरसीबी की टीम स्ट्रेट 3 मैचेस हार गई और फिर अब उनका जो स्पॉट है प्लेऑफ्स का वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइसी हो गया है। तो बोलर से ज्यादा कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बैट्समैन की आपको देनी होगी कि हाँ बैट्समैनों ने अच्छा रन नहीं किया, जिसकी वजह से आरसीबी की टीम इस बार थोड़ा डाइसी हो गया उनका क्वालिटी। मैं थोड़ा यहाँ से जाके ऐड करता हूँ, भाई मेरे बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है ना कहीं ऊपर से आते हुए आरसीबी डिविलियर्स के पास आके अटक जाती है, इसके बाद एक तरीके का ब्लैंक खिलाड़ी है उनके पास, लेकिन वो प्लेयर नहीं है जितने बड़े पिंच हिटर आपको चाहिए नीचे। तो आरसीबी कहीं यहाँ आकर फंसती है कि डिविलियर्स और विराट लौटे नहीं, कि उसके बाद एक तरीके से बिल्कुल कहते हैं ना एकदम मैदान खाली हो जाता है, क्रिस मॉरिस उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं और बहुत ज्यादा उनपे इतने नीचे आते हैं और बोलिंग का भी उनके ऊपर दबाव रहता है, तो क्या कहेंगे विश्वमोहन जी? हमें मेरे दिमाग में एक दूसरी चीज चल रही है, शायद मैं उससे पहले शेयर कर लूं। आपको याद होगा जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था यूएई में, तब क्या मौसम था, क्या हाल था वहां का। अब स्थिति वहां बदली है, वातावरण बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, तो क्रिकेट भी बदल गया। जो टीम अच्छी राह चुन चुकी थी उनकी राह खराब हुई, तो निश्चित रूप से वहां के मौजूदा सूरत हाल को देखें तो बदली है। गर्मी थी, अब ठंड आ रही है, ओस की भूमिका, ये सारी चीजें जो है ना टीमों की रणनीति को प्रभावित कर चुकी है। इकबाल भाई ने कहा आरसीबी के पास गेंदबाज उस तरह का नहीं है, मैं एक नाम याद दिलाना चाहूंगा, स्टेन का, डेल स्टेन है तो उनके पास। देखिए ये फूके हुए कारतूस हैं। सबसे बड़ी बात है इकबाल भाई, आपने देखा होगा वो डेल स्टेन जिसकी छवि आपके दिमाग में थी, अंतरराष्ट्रीय छवि, और अब ये जब यहाँ आईपीएल में खेल रहे हैं तो लंबे बाल और अजीब से दिख रहे हैं और लग ही नहीं रहा कि ये डेल स्टेन है। सही बात नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब जो है ना, अब डेल स्टेन वो डेल स्टेन नहीं रहे जिसकी व्हाइट लाइटनिंग से किया करते थे, एलन डोनल से किया करते थे कि यार वो ऐसा गेंदबाज आ गया दोबारा साउथ अफ्रीका के पास, तो अब वो बात रही नहीं। देखिए ना, मतलब कोई भी बल्लेबाज उनको मुंह उठा के आता है मार देता है, तो आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है ना, 24 गेंदे हैं आपके पास, 24 में अगर किसी बल्लेबाज ने आपके 6 गेंद को उड़ा दिया तो आपका पूरा रन रेट बिगाड़ गया वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गेल स्टेन को जिस तरह की पिच चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वाली पिच, साउथ अफ्रीका वाली पिच, न्यूजीलैंड वाली पिच,
वो अबू धाबी और शारजाह में आपको कहाँ मिलेगा। अच्छा एक और चीज मुझे जो आरसीबी की टीम में, हालांकि पिछले जो सीजन रहे हैं उनके, उससे कहीं बेहतर और बैलेंस टीम इस बार नजर आई है आरसीबी की। कुछ डिविलियर्स और कोहली से हट के भी सोचने का प्रयास हुआ है, हालांकि इसमें बहुत हद तक जो है इतनी कामयाबी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी कामयाबी तो है कि डिपेंडेंसी इन दोनों के ऊपर से हट करके थोड़ी किसी और प्लेयर्स के ऊपर भी गई है। लेकिन फिर भी स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि दो स्पॉट जो अभी आप देखेंगे, गुरकिरत सिंह मान और शिवम दुबे, इन दो प्लेयर्स के ऊपर जो ऑलराउंडर का टैग लगा करके इन्वेस्ट करने का एक प्रयास था कि हाँ ये दोनों प्लेयर्स हमें कुछ देंगे ऑलराउंडर के तौर पर, कहीं ये दोनों प्लेयर्स जो है उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए हैं, जिसका भी थोड़ा नुकसान जो है वो हुआ है आरसीबी की टीम को। जी तो पिछले मैच पे बात कर लेते हैं, जो कल रात का मैच था, कोलकाता का मैच था। कोलकाता पॉइंट टेबल में जो है सबसे नीचे पायदान पर था, और कल की जीत से वो टॉप फोर में पहुंच गया है। कैसे देखते हैं आप लोग, मतलब क्या केकेआर के चांसेस अभी हैं क्वालिफाई करने के, और कितने चांसेस हैं? भाई देखो क्वालिफिकेशन सिनेरियो का जो सवाल है, देखिए आप जब आप इस तरह के सिचुएशन में होते हैं कि किसी और के नतीजे के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है, तो फिर ये बहुत हेल्दी सिचुएशन आपके लिए नहीं है। और जहां तक केकेआर के नेट रन रेट का सवाल है, तो वो कंटेंशन वाली टीमें हैं, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इनसे कहीं खराब इनका नेट रन रेट है। तो इनके लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये कल का मैच जीत गए तो इनके चांसेस एकदम ब्राइट हो गए हैं। ये जो तीन टीमें कंटेंशन में हैं केकेआर को छोड़ करके, उनका रन रेट कहीं बेहतर है। सनराइजर्स हैदराबाद का तो प्लस में है। अब हाँ आज के मैच में सबसे क्रूशियल मुकाबला सनराइजर्स वाला ही है, अगर सनराइजर्स मुंबई को हरा देती है तो खत्म है, बाकी किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ देखिए मतलब ये होगा कि सनराइजर्स अगर हरा देती है मुंबई इंडियंस को, तो फिर इनके पास 14 अंक हो जाएंगे, और क्योंकि नेट रन रेट इनका बेहतर है तो ये तीसरे स्थान पे आ जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में जो जीतेगा उसके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो तीसरे पे आपके सनराइजर्स हैदराबाद आएंगे। अब फिर टसल ये होगा कि दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में जो हारेगा उसका मुकाबला होगा, कितना ड्रॉप होता है, हाँ उसका मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से। फिर दोनों के क्योंकि अंक जो है 14-14 ही रहने वाले हैं, तो वहां नेट रन रेट प्ले में आएगा, खेल में आएगा, और जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो टीम आगे जाएगी। तो क्यों ना इतना सारा झंझट मोल ला लिया जाए और सनराइजर्स को हरा दिया जाए। हाँ ये फिर तो बहुत सीधा सीधा टॉप फोर टीमें प्ले ऑफ में। जी जी जी, अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हार जाती है, अच्छा मजे की बात है ना कि दिल की धड़कने बिल्कुल आखिर तक जो है सेटल नहीं होने वाली, क्योंकि जो सनराइजर्स का मुकाबला है वो कल है, तो आज जो जीत जाए या जो हार जाए, या उधर जो केकेआर की टीम बैठी हुई अपने सारे मुकाबले खेल के, वो भी सुकून की सांस नहीं ले सकती जब तक कि एसआरएच का मुकाबला ना हो जाए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, टॉप पे रहेगी, तो वो कुछ अपने नए खिलाड़ियों को मौका दे कि चलो आजमा के देख लेते हैं, कुछ बिगड़ना तो है लेकिन नहीं। लेकिन ऋतुराज भाई वो चाहेंगे कि 20 अंक का जादुई आंकड़ा प्लेऑफ से पहले अंक तालिका में दिखे तो मुंबई और सुंदर लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यार अगर देखिए, अगर इनकी जो अगर मतलब विश्वमोहन भाई ने सोच लिया है कि एसआरएच को हरवा ही दिया जाए। अगर आप जो है झंझट खत्म कर देंगे, अगर मुंबई इंडियंस की टीम अपने बेंच के खिलाड़ियों को भी उतारती है, तो कौन कौन से खिलाड़ी नहीं खेले हैं इस सीजन आपको मैं बता देता हूं। सबसे बड़ी बात इकबाल भाई आप याद करिए, रोहित शर्मा की वापसी होगी उस मैच में, वो अपनी फिटनेस को परखने के लिए उतरेंगे और जवाब देंगे कि आखिर मुझे क्यों बाहर रखा गया था, और ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए हम तैयार हैं। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में होगी, और निश्चित रूप से 3 तारीख उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रोहित की वापसी हो रही है, और वापसी वाले मैच में रोहित इस मुकाबले को गंवाना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, हालांकि रोहित से रिलेटेड मेरा एक सवाल आपसे रहेगा विश्वमोहन भाई, लेकिन उसको मैं बाद में करूंगा। पहले एक चीज ये मैं बता रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम अगर
आजमाना भी चाहते। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि कोर ग्रुप में कोई चेंज करना चाहेगी, क्योंकि जो रिदम जो लय बना हुआ है उस लय को बरकरार रखना चाहेगी मुंबई की टीम। लेकिन अगर बेंच में भी किसी को आजमाना है तो कौन है उधर बैठा हुआ? क्रिस लिन बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ। शेरपन रदरफोर्ड बैठे हुए हैं, अनुकूल रॉय बैठे हुए हैं, आदित्य तरे बैठे हुए हैं, इसके अलावा बॉलिंग में धवल कुलकर्णी है, जयंत यादव को तो पिछला मुकाबला इन्होंने खिलाया था, मिशेल मैकलिनेगन बैठे हुए हैं। तो ऐसा हाँ। नहीं है कोई बेंच स्ट्रेंथ में बहुत कमजोर खिलाड़ी बैठे हैं भाई, हाँ। एक से एक दिग्गज इधर भी बैठा हुआ, दूसरी टीम को मुंबई इंडियंस की बना देना तो अच्छी खासी टीमों को टक्कर मिल जाएगी आईपीएल में। हाँ, बेंच भी काफी मजबूत है। हाँ, तो मेरा सवाल ये था विश्वमन भाई आपसे कि रोहित शर्मा की इंजरी के बारे में रवि शास्त्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि जल्दबाजी ना करें रोहित शर्मा वापसी के लिए, वरना इनकी जो इंजरी है वो थोड़ी और परेशानी हो सकती है। उनको ऑस्ट्रेलिया टूर से बाहर रखा गया इन्हीं कारणों की वजह से, और आईपीएल खिताब के लिए कहीं वो अपने रिस्क में तो नहीं डाल रहे अपने आप को। तो लगता है आपको कि रोहित शर्मा को रिस्क लेना चाहिए अगर वो 100 नहीं 70-80% फिट होते हैं तब भी उनको खेलना चाहिए? देखिए, उनको तभी मैदान पर उतारा जाएगा मेरे ख्याल से जब वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो बिल्कुल खेलना चाहिए। ऋतुराज, कल की बात बता दूं, कल मैच चल रहा था और दूसरी तरफ विजुअल्स आ रहे थे, आपने मैच देखा होगा तो शायद आपके दिमाग में होगा कि दूसरी तरफ दूसरे स्टेडियम में, साथ लगे स्टेडियम में रोहित शर्मा प्रैक्टिस करते नजर आ रहे थे। तो निश्चित रूप से उन पर नजर है, निगरानी है और फिजियो उनको परख रहे हैं और वो खुद भी खुद को परख रहे हैं। तो वापसी तो करेंगे, यानी कि 3 तारीख यानी कि कल वो मैदान पर उतरेंगे और देखेंगे कि वो कितना फिट है। हाँ, शास्त्री का कहना या आशंका जाहिर करना मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए कि जल्दबाजी ना करें, ऑस्ट्रेलिया दौरा सामने है, आपको फिलहाल टीम में नहीं रखा गया है लेकिन आपको ले जाया जाएगा, तो उससे पहले आप पूरी तरह ठीक हो जाएं। ऐसा ना हो कि आईपीएल के बाकी मैच खेल करके आप अंतर्राष्ट्रीय मैच, जो भारत का एक बड़ा दौरा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, वहां से आप पूरी तरह बाहर हो जाएं। हम बात करते करते केकेआर से मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा तक पहुंच गए। हमारी बातचीत का जो वो धर्रा है वो ऐसा ही है, हम कहीं भी निकल जाते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से वापस केकेआर पे लौटना चाहूंगा, क्योंकि केकेआर का जो केकेआर की जो कैप्टेंसी थी वो बीच में दिनेश कार्तिक ने छोड़ दी और आयन मॉर्गन को मिल गई थी कप्तानी। तो लेकिन नतीजा देखें अगर तो एक जैसा ही रहा, दोनों ने 7-7 मैचों में कप्तानी की और कितने चार मैच जीते और 3 मैच जीते, 4-3 का हिसाब किताब रहा। तो ज्यादा कुछ टर्न अराउंड कर नहीं पाए मॉर्गन, क्या लगता है आप लोगों को? लेकिन मॉर्गन इस हिसाब को लगाएं अच्छी बात है, लेकिन ये देखना होगा कल के मैच में जो निर्णायक पारी उन्होंने खेली 68 रन धुआंधार, लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा स्कोर होगा और वो 190 के पार लेके चले गए, यहीं पर उन्होंने आधी जंग जीत ली थी। लेकिन एक कैच की भी खूब चर्चा हो रही है, दिनेश कार्तिक के कैच की। हाँ, दिनेश कार्तिक आईपीएल में विकेट के पीछे बहुत ही अमेजिंग था, और मुझे लगता है कि कल जिस तरह का खराब प्रदर्शन रहा था दिनेश कार्तिक का, उस एक कैच ने मुझे लगता है कि बहुत कुछ वसूल कर दिया। बेन स्टोक अगर रह जाते तो चांसेस ही नहीं थे कि केकेआर की टीम जीत जाती। तो एक उस कैच ने भाग्य परिवर्तन कर दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स का, और आप जो है कतई इस बारे में कोई और होंगी आप बिल्कुल उठाएंगे। और याद आती है लगातार मैकुलम की वो बात, किस्मत हमारे हाथ है। हाँ, और जब इसी मैच की बात हो ही रही है तो पैट कमिंस की बात कर लेते हैं, जिन्होंने 4 विकेट निकाले कल। 15 करोड़ रुपए जब उन्हें दिए गए थे तब सब लोग बात कर रहे थे कि एक बॉलर को इतना पैसा देना क्या सही है, कल वसूल लिया। वहां भी वसूली हुई है, कल वसूली वाला हफ्ता था केकेआर के लिए और शाहरुख खान के लिए, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से वसूली की है। देखिए, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना बड़े स्टेज में आकर के इसी तरह का परफॉर्म आपको करके देते हैं, चाहे ऑयन मॉर्गन की आप बात करिए, चाहे वो पैट कमिंस की बात कर लीजिए, चाहे दिनेश कार्तिक का वो कैच रख लीजिए, इन तीनों चीजों को आप मिला देते हैं तो कोलकाता की जीत आपको नजर आती है। अब तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी फ्रेंचाइजी के द्वारा वो बहुत कुछ सोच समझ करके, बहुत कुछ कैलकुलेशन, बड़ी सारी मंत्रणाएं होती हैं, इसके बाद कोई किसी खिलाड़ी के ऊपर दांव लगाया जाए, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के इसका नाम बुमराह है तो उसको दे दो 20 करोड़, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी अपनी टीम का कॉम्बिनेशन भी ध्यान में रखा जाता है। और दूसरी तरफ आपको भूलना नहीं चाहिए,
इकबाल भाई ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनका मिस्ट्री स्पिनर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है वरुण चक्रवर्ती। बिल्कुल बिल्कुल, और जब से सिलेक्शन हुआ है भैया उनका तो कॉन्फिडेंस और भी बड़ा होगा कल। मतलब जिस तरह की उन्होंने बोलिंग की, 18-20 रन देके दो विकेट, इतना टाइट सिचुएशन में ला दिया ओपोनेंट को, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी। देखिए कोलकाता ने ना मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टीम बनाई है, मतलब यंगस्टर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट, कल जो धोनी बात कर रहे थे कि अब एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई पौध लाएंगे, एक इन्वेस्टमेंट थी 10 साल तक उन्होंने दिया, अब नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एक बात होगी। ये चीज मुझे लगता है केकेआर को बहुत पहले समझ में आ गया जब उन्होंने गांगुली, गेल, ये सबको रिलीज किया था। इसके बाद से अगर उनकी टीम को देखेंगे तो बहुत ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ियों के ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं करते, और अभी तो ये जो करंट लॉट है उसमें तो बड़े सारे यंगस्टर हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार ये बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं आईपीएल की टेंटे का चौथा एपिसोड है, और इसमें काफी सारी बातें हो चुकी हैं प्लेऑफ्स को लेकर के, टीम्स के परफॉर्मेंस को लेकर के, और हम बात करेंगे एक धोनी पर, क्योंकि धोनी वो है हमारे हर शो में उनकी बात होती आई है, और इस बार नहीं होगी तो बेमानी होगी वो, तो धोनी पे भी बात करते हैं। धोनी से सवाल किया गया कि भाई क्या ये आपका आखिरी आईपीएल था, तो उन्होंने कहा जी नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो जानेंगे इस पर सबकी प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे धोनी में बच रहा है किसी के। हाँ केशव जी, देखिए धोनी की यही तो खासियत है, प्ले ऑफ में रहे चाहे नहीं रहे, भले 5 मैच पहले बाहर हो गई हो उनकी टीम, लेकिन कवर में बने हुए हैं। वो तो कहते ना, एक बार उन्होंने बातचीत में कह दिया था कि धोनी की टीम वो भटकटवा बन गई है, तो धोनी ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे, और इसके बाद डेफिनेटली नॉट जो है वो सुर्खियों में है, वायरल हो चुका है। इकबाल भाई, डेफिनेटली नॉट सही बात है, बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली नॉट एकदम काफी चर्चा में, और ने 1000 बार कम से कम ये शब्द सुन लिया होगा कल से लेकर के आज तक में, और काफी उत्साह भी है लोगों में। देखिए अक्सर मैं धोनी की आलोचना करता हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि ये एक उत्साह की बात है, फैंस के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए धोनी जैसा खिलाड़ी अगर आपकी इस आपकी टीम की बात छोड़ दीजिए, इस टूर्नामेंट में अगर धोनी जैसा खिलाड़ी खेल रहा है तो इस टूर्नामेंट का जो लेवल है यहाँ से यहाँ आ जाता है, ये नाम है धोनी का। तो मुझे लगता है कि फैंस हमेशा धोनी को देखना एक ट्रीट तो होता ही है, और ये अच्छी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी ने खुद अपनी जबान से इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो भैया अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं, अभी क्रिकेट बाकी है, और देखिए इतना बड़ा खिलाड़ी जो है ना इतनी आसानी से जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आज इतना लो चली गई है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जितना कभी गई नहीं थी, तो इस लो में महेंद्र सिंह धोनी कभी भी अपनी टीम को छोड़ के जाने वाले नहीं थे और न जाएंगे, उन्होंने जैसा कि क्लियर किया, एक नई टीम बनाएंगे, नए युवाओं को लेकर के आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, और एक नए सिरे से जिसकी कि मैं लगातार बातचीत करता रहा हूं कि भैया आपने टीम बूढ़ों वाली बनाई है, आपको एक फ्रेश टीम बनानी थी, वो बात धोनी ने कल कही है और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि धोनी अब नई टीम बनाते हैं तो किस तरह की टीम बनाते हैं। और मैच के दौरान जब टॉस हुआ, टॉस के बाद दिमाग में डैनी मॉरिसन के एक सवाल छुपा हुआ था, और उन्होंने सोचा था कि मैं एक्सक्लूसिव पहली बार इनसे पूछ करके ये जान पाऊंगा, और यहाँ ऐलान हो जाएगा कि धोनी का ये आज आखिरी आईपीएल मैच है, और उसमें उन्होंने जम के गच्चा दिया धोनी ने ये कहते हुए सीधे उनके मुंह पर, डेफिनेटली नॉट। सही बात है, ये बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि बहुत खुशी की खबर है, ये जो भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, जानकार हैं, सभी के लिए एक बहुत बढ़िया ये खबर है। धोनी टीम अपनी बनाएंगे कैसे, क्या ऑक्शन वगैरह होगा क्या अगले साल फिर से? ये बात भी अभी जो है उन्होंने खुद बोला कि देखते हैं अभी ऑक्शन के लिए किस तरह से क्या सिनेरियोज बनते हैं। क्या विश्व मोहन भाई, क्या ऑक्शन दोबारा होने वाला है क्या? फ्रेश फ्रेश ऑक्शन पूरे आईपीएल के लिए ये होना बिल्कुल तय है, और सारी टीमें अब बदली हुई नजर आएंगी, और फिर से ऑक्शन
अगले साल यानी कि बल्कि अब नेक्स्ट जो आईपीएल होना है उससे पहले बड़ा ऑक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ मतलब की प्लेयर्स को जैसे मर्की प्लेयर होते हैं कुछ आइकन प्लेयर उनको रखने की आजादी तो होगी कि चार पांच को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये सारी चीजें तो देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ फिर से टीमें सजाई जाएंगी और जो लगातार ऑक्शंस होते रहे हैं छोटे छोटे अब ये बड़े पैमाने पर होगा। ये बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है। क्या लगता है चेन्नई फिर से दाव लगाएंगी धोनी पे या रिटायर कर देगी? यार कैसी बात कर रहे हैं, लगाएगी और जीतेगी भी अगले साल शायद। और सबसे बड़ी बात है गौतम गंभीर ने दो तीन दिन पहले ही कह दिया था कि उन्हें ये फ्रेंचाइज कभी भी गंवाना नहीं चाहेगी और धोनी उनके साथ हैं। और धोनी जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं खेल रहा हूं आगे भी खेलूंगा, उनके चेहरे पर जो मुस्कान और साथ में आत्मविश्वास झलका था, निश्चित रूप से धोनी चेन्नई ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी जैसे सचिन तेंदुलकर जो है मुंबई इंडियंस के आसपास ही आपको नजर आते हैं, वही चीज जो है धोनी के साथ होने वाली है। बिल्कुल, सचिन तो मेंटोर रोल में नजर आते हैं ना, और क्या धोनी भी मेंटोर। देखिए जिसपे वो सवाल भी देखिए जिसपे धोनी ने डेफिनेटली मैच कहा वो ये था कि क्या येलो जर्सी में आपका ये अंतिम मैच है? उन्होंने कहा नहीं। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि आईपीएल में अंतिम मैच है। ऋतु मैं ये कह रहा हूँ सचिन से मैंने केशव इसलिए बात की कि अभी धोनी जैसा अभी बात कर रहे थे विश्वमन भाई कि वो चेन्नई के साथ ही नजर आने वाले हैं, अभी तो वो खेलेंगे डेफिनेटली खेलेंगे लेकिन जब वो नहीं खेलेंगे तब भी वो सचिन की तरह जो है चाहे मेंटोर की भूमिका में, डायरेक्टर की भूमिका में, व्हाटएवर कोच की भूमिका में वो वहीं रहने वाले हैं। हमें तो लग रहा है स्टीफन फ्लेमिंग को वही रिप्लेस करेंगे। यार कल उन्होंने कोचिंग स्टाफ के लिए भी कुछ बातें कही हैं विश्वमन भाई, कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे धोनी, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ कुछ इस तरह की बातें हुई हैं और निश्चित रूप से स्टीफन फ्लेमिंग वो भी टीम के प्रदर्शन के बारे में अपनी राय रखी है और कुल मिलाकर के अब विदाई हुई है टीम को, तो लोगों का ध्यान अब दूसरी टीमों की तरफ और प्लेऑफ्स की तरफ था, तो निश्चित रूप से अब ये टीम अब निकल चुकी है पूरे इस प्रकरण से, तो अब ध्यान उधर लोगों का नहीं। हाँ वैसे अगले सीजन लगता है आपको कि फ्लेमिंग भी वहां पर नजर आएंगे एज ए कोच? क्योंकि एक कड़ी है फ्लेमिंग, दूसरी तरफ इस हार के बाद जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पूरी तरह से सब कुछ सपोर्ट कैसे करेंगे, तो निश्चित रूप से अगली बार तो रहना तय है, अगली बार तभी टीम में कुछ नयापन दिखेगा क्योंकि जो पहला एहसास है इस बार का उसमें क्या कमी रह गई थी उसको कैसे पूरा कर पाएंगे दूसरी टीम बनाकर, तो निश्चित रूप से प्रबंधन चाहेगा ये जो पहले के हमारे रणनीतिकार हैं वो बने रहें और उसमें क्या कमी है वो फिर से पूरा करें। हालांकि मुझे जहां तक लगता है कि फ्लेमिंग के ऊपर ठीक है फ्लेमिंग अगर रह भी जाते हैं बट कोचिंग स्टाफ में कुछ चेंजेस तो होंगे, मतलब इतना सेटिस्फाइड महेंद्र सिंह धोनी दिखे नहीं जिस तरीके से उनका वक्तव्य था, कुछ तो चेंजेस होंगे कोचिंग स्टाफ में भी। हाँ ये तय है, ये जो कोचिंग स्टाफ अब तो पहले क्या था कि कप्तान होता था, कोच होता था, मैनेजर, मतलब छोटी सी एक सपोर्टिंग स्टाफ का एक कुन बल्कि एक कहिए कि कुछ जोर होता था, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टीम के सफलता में योगदान देते हैं, निश्चित रूप से वो टीम जो है वो बदलेगी। एक चीज यहाँ पे और पूछ ही लेता हूँ, धोनी की बात हो ही गई है, इन केस सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि धोनी को चेन्नई ने रिलीज कर दिया, कौन लेगा? मुझे नहीं लगता कि चेन्नई रिलीज करेगी धोनी को कभी, ये अज्यूम करना ही मतलब बहुत मुश्किल है। ये यक्ष प्रश्न हो गया एक तरीके से, इसका जो जवाब है ना, मैं भी प्रगति के साथ ही जाऊंगा कि भैया ये बहुत नामुमकिन वाली बात है, नामुमकिन ही है कि धोनी को रिलीज कर दे चेन्नई सुपर किंग्स, नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है। पुणे के साथ खेलते हुए सर, मैंने उनको 2 साल तक पुणे के साथ खेलते हुए देखा है, तो मुझे यही चीज लगता था कि नहीं धोनी येलो जर्सी पे ही सूट करता है, मतलब एकदम येलो जर्सी में ही अच्छे लगता है। और जहां तक आप कह रहे थे ना ऋतु की कौन खरीदना चाहेगा, एक हाइपोथेटिकल ही अगर चलो मान लेते हैं कि कौन, मुझे लगता है कि हर टीम धोनी को अपने पास लेके आना चाहेगी यार, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब एक चार्म है धोनी का, एक फैन बेस लेकर के आते हैं, एक अट्रैक्शन लेकर के आते हैं, तो कोई भी उसको खरीदना चाहेगा, बट ये होगा नहीं। हाँ ठीक बात है, क्योंकि धोनी और चेन्नई एक दूसरे के पूरक बन गए हैं और
एक तरीके से जो उनका फैन बेस चेन्नई में है वो एकदम कल्ट, नॉर्थ इंडियन होकर के भी एक कल्ट बन चुके हैं वहाँ पे। और मुझे लगता है हाँ थाला, और मुझे लगता है धोनी छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, ऐसा कुछ दिखा नहीं उनके मन में खटास है फ्रेंचाइज के प्रति या ऐसा कुछ। तो मुझे भी लग रहा है किसी न किसी भूमिका में, भले वो खेलें ना खेलें, लेकिन किसी न किसी भूमिका में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही रहेंगे। तो चेन्नई सुपर बात नहीं की केशव, राजस्थान रॉयल्स क्या हम लोग मानते हैं कि अभी ये बात करने लायक भी टीम नहीं रह गई है? विश्व मोहन जी बताएंगे। राजस्थान रॉयल्स क्या करें, हर दिन आपका नहीं होता है, बेन स्टोक्स का वो दिन नहीं था, वरना 192 का लक्ष्य वो जरूर पूरा करते। और शुरुआत ही इस तरह से खराब हो गई कि शुरुआती 5 विकेट बहुत जल्दी गिर गए और उसके बाद किसी के पास मौका नहीं था, तेवतिया भी अपना तेवर नहीं दिखा पाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी जिसको IPL में ही नाम मिला था, किलर मिलर का, उसका इस्तेमाल नहीं किया राजस्थान रॉयल्स ने। और राजस्थान रॉयल्स का ये खिलाड़ी अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक का T20 में रिकॉर्ड रखता है, उसको आपने कभी आजमाया ही नहीं, आजमाया तब जब आखिरी मैच था वो भी सब्स्टिट्यूट के रूप। क्या लगता है इसके पीछे क्या मतलब, उनका जगह, उनकी जगह नहीं बन पा रही थी या उनका मतलब वो नहीं हो पा रहा था, एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे बैटिंग ऑर्डर में, कहीं क्या वजह रही होगी? मुझे ऐसा लगता है कि IPL का पास्ट परफॉर्मेंस भी मिलर का बहुत कुछ खास नहीं रहा है। पंजाब टीम से जुड़े हुए थे इससे पहले, पंजाब की हालत हम सब लोगों को पता है ही, पिछले सीजन या उससे पिछले सीजन में कहाँ थी पंजाब। तो थोड़ा सा मुझे उनका पास्ट परफॉर्मेंस जो लगता है ना, वो कहीं ना कहीं आड़े आता है IPL में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल भी है ये है कि जब इतना खराब था तो आपने इतने में खरीदा क्यों था उन्हें? हाँ बिल्कुल, आपने आजमाया क्यों नहीं, उन्हें क्यों नहीं देखा, आपने एक मौका तो दिया होता। सही बात है, मौका देना चाहिए था। जैसे पिछले सीजन, तो पिछला सीजन अगर किसी का खराब रहा तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी वो खराब ही खेले। आपने रियान पराग को लगातार मौके दिए, रियान पराग को आपने उतारा, उस खिलाड़ी में आपको दिखा कि ये जज्बा है, नया है और कुछ तीखा प्रदर्शन करेगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि आपने किलर मिलर को क्यों बाहर रखा, ये तो फैंस पूछेंगे। मुझे लगता है ना, ये IPL एक ऐसा IPL है जिसमें सबसे ज्यादा दाव सभी फ्रेंचाइजी ने, लगभग ज्यादातर फ्रेंचाइजी कहना ज्यादा सही होगा, कि यंगस्टर जो यंग प्लेयर हैं, यंगस्टर जो हैं, उन पे ज्यादा दाव लगाया है सभी टीमों ने। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। कोलकाता की ही बात कर लें तो उनका जो गेंदबाजी है, उनकी जो गेंदबाजी है उसमें जो फास्टर्स हैं या फिर वरुण चक्रवर्ती का नाम आप लोगों ने लिया, तो ये सब एक तरीके से यंगस्टर ही हैं, फर्स्ट टाइम ही दिखे। शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी जो लगभग हर मैच में दोनों में से कोई ना कोई खेलता ही रहा। और ये जो है फेनोमेना यंगस्टर वाला दिल्ली में भी खूब दिखा, एक तरीके से सबसे यंग टीम जो है दिल्ली ही थी। अगले साल अगर ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात करें, इसी को अगर आगे बढ़ाएं, तो अगले साल क्या दिख रहा है, टीमें इसी पे ध्यान देंगी, यूथ पे ही ध्यान देगी, या एक जो मिक्स होता है एक्सपीरियंस का और यूथ का उस पे जाएंगी? मुझे नहीं लगता, वक्त कितना रह गया है अगले IPL में। देखिए अभी जो हम IPL देख रहे हैं वो इस साल का IPL है जो जून जुलाई मार्च अप्रैल में होना था। आप देखिए कि ये IPL मार्च अप्रैल का IPL अभी खेला जा रहा है, आप ऑलरेडी नवंबर में हैं, 3 महीने बाद अगर सब कुछ ठीक रहा, 4 महीने बाद, तो आप दोबारा IPL की बातें हम लोग शायद कर रहे होंगे। हाँ अगले साल के IPL को लेकर के बात करें तो निश्चित रूप से समय बहुत कम होगा, और ऐसे में फ्रेश ऑक्शन भी होना है, और ये तारीख का निर्धारण भी एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा कि आखिर IPL कब हो अगले साल। तो अभी किसी का ध्यान इस ओर नहीं है, अभी तो इस IPL को निपटाने पर है, और निपट जाए उसके बाद चीजें सामने आएंगी। अच्छा अब थोड़ा सा ना बात कर लेते हैं कि हालांकि अभी तक तो मुंबई ही फाइनल है, बाकी लोग किस पे दाव लगाना चाहेंगे कि चलो हमारी टीम ये है, टॉप 4 में तो ये पक्का रहा और फाइनल में हम इसे देखना चाहेंगे। पिछली दफा वाली पंजाब सबके साथ खेल गया मेरे साथ नहीं खेला था, मैंने KKR पे लगाया था, KKR अभी भी रेस में बना हुआ है। मैंने पंजाब पे लगाया था यार, पंजाब की हालत गड़बड़ हो गई, खत्म हो गया। और हमारे विश्वमन भाई ने बोला नहीं था, लेकिन वो राजस्थान रॉयल्स को अंदर ले जा रहे थे क्योंकि टीम एक ही बचती थी, हालांकि उन्होंने कोट नहीं किया था कि राजस्थान रॉयल्स वो कहेंगे, लेकिन उनकी टीम गई। सबसे नीचे है विश्वमन भाई आपकी राजस्थान,
बिना नाम लिए हुए जिस आप टीम को सपोर्ट किए जा रहे थे। खैर ये तो क्रिकेट के सभी की मनपसंद वो चली गई। सबकी एक एक टीम गई है मतलब लगभग, बाकी मुंबई वगैरह तो फिक्स ही था। एक ही पिछली बार जब हम लोग एक ही मतलब स्थान खाली था जिसपे हम लोग कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा चेन्नई ने अपने परफॉर्मेंस को आखिरी मैचों में सुधारा और राजस्थान को आखिरी पायदान पर धकेल दिया है, तो अब उस पर भी बात हो जाए। प्लेऑफ में पोजीशन भी काफी मैटर करता है कि आप किस स्थान से क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जो पहले और दूसरे पायदान पे रहते उन्हें एक और मौका और मिलता है हारने के बावजूद भी। तो पहले पर तो मुंबई अभी दिख रहा है, दूसरे पर कौन सी टीम नजर आ रही है अभी? बस आज ही फैसला होगा और निश्चित रूप से ये दो कौन होंगे मुंबई इंडियंस के बाद, तो यहाँ पर पलड़ा जो है भारी मुझे आरसीबी का दिख रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि आरसीबी की जीत कर ऊपर जाए। हाँ बस मैं वही पूछ रहा था कि ये बताइए कि किन दो टीमों के बीच मैच हो ताकि बराबरी का लगे और थोड़ा सा मुकाबला जो है वो कांटे का हो। हाँ आरसीबी और मुंबई के बीच ही ज्यादा टक्कर होगी मुझे ऐसा, शुरू में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें ज्यादा एक दूसरे को मतलब टक्कर दे सकती हैं, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस में जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने परफॉर्म किया है तो थोड़ा सा उनका लय गड़बड़ाया है, लेकिन आरसीबी की टीम क्योंकि ऐसी है कि ये कहीं से भी उठ के आ सकती है। डिविलियर्स अकेले जिस दिन चल गए, जिस दिन कोहली चल गए, तो मामला वहीं से सब कुछ निपट जाएगा, टक्कर कड़े बहुत कड़ी टक्कर हो जाएगी। और जिस दिन डिविलियर्स चल गए उसके बाद कुछ कहना नहीं है, उस दिन मामला साफ है, जो भी टीम सामने हो कोई मतलब नहीं। और जो कंसिस्टेंसी ओपन करते हुए देवदत्त पडिक्कल ने दिखाई है और जो एक स्टार्ट उन्होंने दी है वो मुझे लगता है कि बड़ा प्लस है आरसीबी के लिए, और अगर वही फॉर्म वो आखिर के दो तीन मैचेस जो भी प्लेऑफ से जहां पहुंचते हैं वो फाइनल तक जो भी है वहां तक अगर वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो बहुत अच्छी टक्कर होगी जो भी टीम आरसीबी के खिलाफ खेलेगी। बट डेफिनेटली यस मुंबई बनाम आरसीबी, रोहित बनाम विराट। विराट यस, अगर रोहित नहीं भी होते हैं तो पोलार्ड बनाम विराट जो भी कह लीजिए। पोलार्ड ही कप्तानी करे लेकिन जब भी मुंबई की बात आएगी तो रोहित की छवि सामने आएगी। बट एक चीज पोलार्ड का जिक्र हो रहा है तो भाई मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा पोलार्ड की कैप्टेंसी भी यार कोई बहुत हल्की नहीं है, बहुत अच्छी कैप्टेंसी करते हैं यार। और सीपीएल में 12 लगातार मैच जीत करके वो टीम चैंपियन बनी थी उनकी टीम, और यहाँ पर आकर के फिर कप्तानी उन्होंने हासिल की। जी जिस तरह से मूडी वो लगते हैं देखने में, एक केयरलेसनेस वाली जो हम स्वभाव की बात कर रहे थे पिछले एपिसोड के अंदर, तो वो उसके होने के बावजूद भी जो दिमाग चलता है वो काफी कमाल का चलता है और एक एक फैसले को काफी सही साबित करके उन्होंने दिखाया है उनकी टीम ने। देखिए पोलार्ड आ ही गया तो उसी की टीम, उन्हीं की वेस्ट इंडीज टीम का एक खिलाड़ी क्रिस गेल का फिर से एक बार जिक्र कर लेते हैं, वो 99 पे आउट हो जाना बड़ा दुखी था। डेफिनेटली उनका जिक्र होना चाहिए। तो क्या मैं पहले इनसे विश्वमोहन जी से ये जानना चाहूंगा क्या 1000 छक्के पूरे हो गए गेल के? जी बिल्कुल, जो हम लोगों ने काउंट डाउन लगा के रखा था, उम्मीद जताई थी कि 22 छक्के चाहिए और देखा आपने कि सिर्फ 7 मैच खेले और 23 छक्के जड़ दिए, और क्या चाहिए, इससे बढ़िया प्रदर्शन क्या हो सकता है। 1000 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी और क्रिस गेल ने अपना काम तो कर दिया। अब ये कहीं से भी नहीं लग रहा क्रिस गेल ने खेला या नहीं खेला, टीम हारी टीम जीती, लेकिन क्रिस गेल ने अपना काम कर। उसी दिन जब क्रिस गेल से इस बारे में पूछा गया कि आपने 1000 छक्के मार दिए तो क्रिस गेल हंसने लगे, अच्छा मैंने ऐसा कर दिया, मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने 1000 छक्के मार दिए। ये एंटरटेनर है, रिकॉर्ड नहीं रखता है हाथ में, हम रिकॉर्ड लगाते हैं, हम आंकड़े गिनते हैं, लेकिन ये तो एंटरटेन करता है और अपनी यही चीज उनकी उनको महान बनाता है। वो सचिन का एक किस्सा सुनने को आता है ना, जिस दिन सहवाग ने सचिन के 200 रनों का हाईएस्ट तोड़ा था, हाईएस्ट स्कोर वाला रन तोड़ा था सहवाग ने, तो ऐसी कहानी है, ऐसी कहानियां चलती हैं कि सचिन ट्रेवल कर रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे शायद, और जब ऑस्ट्रेलिया में उतरे तो तब तक सहवाग उनका रिकॉर्ड तोड़ चुके थे, तो उनसे पूछा गया कि सहवाग ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो सचिन ने पूछा कौन सा। लेकिन हम लोग पहले मतलब जो बातचीत कर चुके हैं शायद दूसरे एपिसोड में, मेरे ख्याल से हम लोग इस पे आए थे, बात कर रहे थे कि क्रिस गेल को क्यों नहीं खिला रही पंजाब, तो कहीं ना कहीं वो भारी पड़ गया पंजाब की टीम को। थोड़ा सा तो भारी पड़ा है। उसी मैच में क्रिस गेल के एक जेस्चर का जिक्र करना चाहूंगा, जब वो 99 से लौट रहे थे तो वो बल्ले में वो हेलमेट डाल के जो लौटे वो बड़ा गजब था।
नहीं वो उनका स्टाइल है, पहले भी वो ऐसा कर, हाँ, वो अक्सर करते रहते हैं ऐसा। हाँ बताइए एक वाला एक कुछ बोल। सबसे बड़ी बात है कि जब 99 पर आउट हुए तो उन्होंने किस तरह से बल्ले को पटका और छिटक करके दूर चला गया, और फिर उन पर जुर्माना भी 10% मैच फीस का भी लगा और आचार संहिता का उल्लंघन, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी एक वक्त ऐसा होता है जो मान चुका होता है कि शतक तो आना ही है, और ऐसे में बोल्ड कर देना तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, और 99 पर लौटना ये बहुत जल्दी संभाला अपने आप को, जैसे ही बोल्ड हुए बल्ला फेंका और आर्चर की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, मतलब इतनी जल्दी संभाला पूरे सिचुएशन को, लेकिन काम नहीं आया, कट गए 10%। यार मुझे मतलब गेल के उस फ्रस्ट्रेशन में एक रॉकस्टार वाली फ्रस्ट्रेशन नजर आई। सब कुछ सेट है, ऑडियंस सामने है, आप परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, अपने एक्शंस करने के लिए तैयार हैं, और पता चलता है कि आपका माइक खराब हो गया या आपका स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिस गेल के अंदर था कि वो सेलिब्रेशन के लिए जो उनका टिपिकल अंदाज होता है अपने फैंस के लिए, जो वो सेलिब्रेट करते हैं, जो उनकी हरकतें रहती हैं, जो मूवमेंट्स उनके होते हैं, वो करने के लिए वो तैयार थे, और जब 99 पे आप आउट हो जाते हैं और वो सब कुछ जो आपने प्लान करके रखा होता है करने के लिए, भाई देखिए गेल की नक्शेबाजी भी तो बहुत है, मतलब शतक बनाने के बाद या कुछ करने के बाद वो देते हैं सबको काम पे लगने के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि हम हंसते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, मौज भी लेते हैं, तो वो चीज मिस हो जाने का बड़ा मलाल मुझे लगता है, सेंचुरी मिस हो जाने से कहीं ज्यादा मलाल उनको इस बात का था कि जो एक्शन जो एंटरटेनमेंट वो देने वाले थे वो मिस हो गया। मीम मटेरियल नहीं दे पाए। जी। तो क्या अगले साल दिखेंगे गेल? जिस तरह से खेल के गए भैया दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया खेले हैं, इतने कम मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और ऐसा नहीं है कि रस्टी नजर आए, ऐसा भी नहीं है, जो टिपिकल विंटेज क्रिस गेल हैं वही विंटेज क्रिस गेल नजर आए हैं, तो होपफुली आईपीएल बहुत ज्यादा दूर है भी नहीं, अभी कुछ ही चंद महीनों की बात है, तो इस सीजन जो कमिंग सीजन है उसमें तो नजर आने चाहिए क्रिस गेल। और जहां तक कह रहे हैं कि क्रिस गेल को पहले क्यों नहीं खिलाया, उसके दो कारण हो सकते हैं केशव। एक तो ये कि शायद वो अभी लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग जो है इतना ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं थे, शायद वो गेंद को ना हिट कर पा रहे हैं उतने ढंग से, नेट्स में शायद वो प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी रही होगी, फिटनेस शायद उस तरह का ना गेन कर पाए हो जो एक मैच के लिए चाहिए होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज ये कि गेल अगर शुरुआती मैचेस में नहीं खेले तो इसका बहुत ज्यादा तो नुकसान आपको उठाना पड़ा हो, ऐसा नहीं है, शुरुआती मैचेस पंजाब ने जीते, या क्लोज एनकाउंटर्स में अगर आप अनलकी थे तो आपने सुपर ओवर गंवाया, या एक शॉर्ट रन आपका रहा उसमें आप अनलकी रहे वहां हार गए, तो ये सब चीजें कुल मिलाकर के आप जब समअप करेंगे तो गेल का शुरुआती मैचेस में ना होना बहुत ज्यादा खाला नहीं, लेकिन हाँ लेटर स्टेज में जरूर टीम का जो है वो लैगर बढ़ाया। हाँ जब लगातार पंजाब हार रही थी मैच तब क्रिस गेल की कमी महसूस हुई हमें। विश्वमोहन जी क्या कहेंगे आप गेल को लेकर? हाँ ठीक है, वो इसमें पूरी तरह से ये नहीं मान के चलना चाहिए कि क्रिकेट यही खत्म हो चुका और गेल का प्रदर्शन यूं ही, अब 41 साल के हो चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, और हालांकि टीम पंजाब उनसे पूरा फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन जब तक उस खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया, टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, रेस में बनी रही, और जैसे ही उन्होंने अपना प्रदर्शन खराब किया टीम भी हार गई, तो पंजाब का तो यही होना था, जो पहले हो जाना चाहिए था वो बाद में हुआ, और उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है इस टीम को यहां तक लाने में क्रिस गेल। तो एक फाइनल प्रेडिक्शन कर लिया जाए केशव, इससे पहले कि आप समेटना शुरू करें इसे, कि फाइनल में कौन कौन शुरू किया जाए? विश्वमोहन जी से ही फाइनल की डायरेक्ट बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुंबई सीधे फाइनल में चले जाए क्वालिफायर वन जीत करके, और विराट की टीम में क्वालिफायर वन में हार जाए और फिर दोबारा क्वालिफायर टू में जीत करके उनसे भिड़ने के लिए तैयार है। तो आरसीबी बना मुंबई इंडियंस आप देख रहे हैं विश्वमोहन भाई, और सपना है विराट कोहली का एक बार आईपीएल ट्रॉफी हासिल करना। मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली वर्सेस आरसीबी मैं देख पा रहा हूँ, मुंबई मुझे लगता है दोनों मौके गवा देगी। अरे भाई साहब कमाल की प्रेडिक्शन है ये भाई, ऐसा हो चुका है, अगर आपको पिछला मैं ठीक से याद कर पाऊँ, उससे पिछला आईपीएल याद है तो टॉप की टीमें बाहर हो गई थी दोनों मैच हार के, जहां तक मुझे याद है, विश्वमोहन जी और अच्छा समझा पाएंगे। रिस्की है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर ये तो ये आईपीएल और ये क्रिकेट और T20 कुछ भी संभव है, तो हम पहले से ये सारा नहीं लगा सकते,
कयास कि क्या कुछ होगा। तो शायद चेन्नई के साथ ऐसा हुआ था पिछले या उससे पिछले बार में शुभमन जी, अगर आपको याद हो तो ठीक कर पाए मुझे। कुछ इस तरह का समीकरण बना था मुझे, किसी टीम के साथ हुआ है ये मुझे याद है, लेकिन किसके साथ हुआ ये नहीं याद है। हाँ कोई बात नहीं, जब हम लोग अगले हफ्ते लौटेंगे ना केशव, तब तक हमारे सामने सब खुला होगा। हाँ, सब कुछ खुला होगा। हाँ प्रगति आप बताइए क्या लग रहा है फाइनल में कौन सी दो टीमें होनी चाहिए? सर मुझे भी यही लग रहा है कि मुंबई और चेन्नई का मैच होना चाहिए, सॉरी नॉट चेन्नई, आरसीबी का मैच होना चाहिए। हमेशा से चेन्नई जाती थी तो ऐसा लगता है हमेशा चेन्नई लगी रहते मन में कि हाँ चेन्नई फाइनल में जाएगी जाएगी, तो इस बार नहीं जा रही है, लेकिन आरसीबी जीत होना चाहिए फाइनल, आरसीबी और मुंबई का। अच्छा प्रगति की बातों से लग रहा है प्रगति को चैन नहीं। डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, हाँ मैं मुझसे भी पूछ लिया जाए, मैं भी बता ही देता हूँ। एक टीम तो मैं बता चुका हूँ, एक टीम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले हफ्ते, अगर याद हो आप लोगों को फाइनल की एक टीम मैंने बता दी थी केकेआर है, और दूसरी टीम देखिए मुंबई लग रही है। अगर देखिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम क्वालिफाई कर जाती है टॉप फोर में, तो हैदराबाद की टीम भी एक कंटेंडर हो सकती है फाइनल में पहुंचने वाली, क्योंकि बहुत डेंजरस टीम है और डेविड वार्नर जहां है तो वहां जाहिर सी बात है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी हमेशा, तो इस टीम को भी मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। अगर हैदराबाद की टीम टॉप फोर में क्वालिफाई करती है तो शायद एक टीम आपको हैदराबाद की नजर आए, तो मैं तीन टीमों को अगर मुझे चूज करने की आजादी दें आप लोग तो मैं मुंबई, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद, ये तीन टीमें पिक करूंगा। सेफ खेल गए आप, गजब का एंगल लेके आए इकबाल भाई। हाँ जी, अगर अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर मेरे पास दो ही बचेंगे केशव। तो इसी नोट पे हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं। ये आईपीएल की टेंटे का चौथा एपिसोड था। आईपीएल की टेंटे में हम लोग बात करते हैं आईपीएल के पिछले हफ्ते के मैचों पर, कुछ दिलचस्प जो घटनाएं होती है मैचों के दौरान उस पर बात करते हैं, अगले आने वाले हफ्ते में जो मैच होने हैं उस पर बातें करते हैं। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा, हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। इस बातचीत पे हमारे साथ जो हमारे साथी शामिल थे वो विश्वमोहन जी हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार थे, इकबाल भाई थे, ऋतुराज जी हैं और प्रगति पांडे। अगले हफ्ते आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।